कपास की खेती कर रखी है। हमारे पास एक ऐसी ज़मीन है जिसमें ऊसर बंजर है, किसी तरह का उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा था। तो यहाँ बहुत सुना था कि आजकल बांस का फर्नीचर फाइव स्टार होटलों में जगह जगह लाठियाँ, और उनका दिख भी रहा था कि कितना बांस की डिमांड है। तो उसको देखते हुए सर्च करके भीमा बंबूसा बांस हम लोगों ने लगाया। आप जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा ये उत्पादन दे रही है, बहुत ही अच्छे इसके प्राइस, अभी भी लोग आ रहे हैं इसको खरीदने के लिए आने लगे, जबकि अभी इसको पकने में एक साल बाकी है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि जो ऐसी ज़मीनें हैं जिनमें बहुत अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, जो ऊसर हैं, बंजर हैं, या ऊंचा खाली की ज़मीन है, वहाँ पर इसको लगाया जा सकता है और बहुत ही अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए एक एकड़ में लगभग 1200 पेड़ लगते हैं, और 1200 पेड़ फिर आगे चल करके एक क्विंटल 5-5, 7-7 हो जाते हैं। तो इस तरह से 6-7 हज़ार पेड़ हमारे तैयार हो जाते हैं। तो फिर एक बहुत बड़ी आमदनी आपकी हर वर्ष निकलती रहती है, क्योंकि और इसकी खासियत यह है कि इसमें हर वर्ष आप एक बार इसको जून में जुलाई में कटवा सकते हैं, और जुलाई में इसमें फिर नए कल्ले निकल आएंगे। तो इस तरह से जो पके बांस हैं, अच्छे बांस हैं, वो हर वर्ष आपको आमदनी देते रहेंगे और नए बांस तैयार होते रहेंगे। तो ये एक वर्षीय फसल के रूप में आप इसको, जैसे आपका केला है, गन्ना है, उस तरह से ले सकते हैं, और हर साल ये आपको एक अच्छी आमदनी देता रहेगा। देख रेख की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बरसात में इसमें खूब कल्ले निकलते हैं, उस महीने में ज़्यादा जानवर वगैरह इसमें शुरुआत में ना जाएँ, बाद में तो वैसे ही नहीं जाते, क्योंकि इतना घना हो जाता है कि इसके अंदर कोई जा नहीं पाता। तो एक बहुत अच्छा तरीका है आसानी से, और इस बांस में कांटे बिल्कुल नहीं होते हैं किसी तरह के, आप देख सकते हैं पूरे बांस में कहीं कांटे नहीं, खींचने में कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, तो किसी तरह की कोई उस तरह, यही शायद इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कांटे नहीं और टेढ़ा नहीं होता, एकदम सीधा रहता है और ठोस रहता है।